Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे टेलीविजन के एक अंडररेटेड पर हैंडसम एक्ट्रेस में से एक करणवीर मेहरा के बारे में, जिन्हें टेलीविजन में एक्टिव रहते हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं। और इस लंबे अंतराल में करणवीर ने सिर्फ टीवी पे ही नहीं बल्कि बॉलीवुड मूवीज़ और वेब सीरीज में भी काम किया है, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली टेलीविजन प्लेटफॉर्म में। लगभग 20 से भी ज़्यादा सीरियल्स का हिस्सा रह चुके करणवीर को उनके सीरियल से मॉडरेट सक्सेस मिली, पर उनके द्वारा किए गए लेटेस्ट रियलिटी एडवेंचर शो खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस सीजन 18 से उन्हें टीवी पर एक ज़बरदस्त स्टारडम मिला है और उनकी पॉपुलैरिटी में ज़बरदस्त इजाफा भी देखने को मिला है। वेल दोस्तों, इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं करणवीर के फर्स्ट शो से लेकर अब तक के सारे शोज के बारे में और उन पर निभाए गए उनके सारे किरदारों के बारे में भी। जहाँ साल 2005 से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले करणवीर का फर्स्ट सीरियल था स्टार वन का पॉपुलर ड्रामा रिमिक्स, जहाँ इस कॉलेज ड्रामे में करण आदित्य नाम के एक फोटोग्राफर एंड स्टूडेंट के सपोर्टिंग कैरेक्टर में थे। उनका ये शो ऑडियंस के बीच काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था और फिर सेम ईयर यानी 2005 में ही करणवीर को मिला सहारा वन चैनल का सीरियल साथ रहेगा ऑलवेज, जो कि एक यूथ ओरिएंटेड कॉलेज ड्रामा था और करण इसमें सोहम नाम के लीडिंग कैरेक्टर में थे। पर अनफॉर्चुनेटली इस शो को कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली और फिर नेक्स्ट ईयर यानी 2006 में करणवीर सहारा वन की सीरियल सती सत्ती की कहानी और स्टार प्लस की सीरियल शन्नो की शादी में छोटे मोटे रोल्स में नज़र आए। लेकिन इसी ईयर करणवीर ने सब टीवी के लिए ट्विंकल ब्यूटी पार्लर लाजपत नगर किया, जिसमें वो रॉकी नाम के एक रोड साइड रोमियो के करेक्टर में दिखे थे, जहाँ उन्हें इस शो से कोई खास फ़ायदा नहीं मिला। और फिर नेक्स्ट ईयर यानी 2007 में करणवीर ने किया सोनी इंटरटेनमेंट का सीरियल विरुद्ध, जहाँ उन्होंने वेदांत राय सिंघानिया नाम के एक इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल को किया। ये शो एवरेज रहा और करीब एक साल से थोड़ा कम चला। और फिर इसके नेक्स्ट ईयर 2008 में करणवीर नज़र आए स्टार वन की सीरियल परी हूँ मैं पर, जहाँ करणवीर करण नाम के एक लवर बॉय के कैरेक्टर में थे और उनके अपोजिट नज़र आई थी अभिनेत्री रश्मि देसाई, जहाँ इस शो में करणवीर के कैरेक्टर को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया। और इसी साल के एंड में करणवीर नज़र आई सोनी इंटरटेनमेंट की सीरियल हम लड़कियां में, जहाँ इस मल्टी स्टारर शो में करणवीर चार मेल लीड्स में से एक थे और उन्हें युवराज गोयल नाम के एक बिजनेस टाइकून के कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिखाया गया था। लेकिन ये शो भी कुछ खास नहीं चला और जल्द ही ऑफ एयर हो गया। इसके बाद करण नज़र आए साल 2010 में स्टार प्लस के सीरियल बहने में एक सपोर्टिंग रोल करण राजवंश के किरदार में, जहाँ ये शो तो पॉपुलर रहा पर करणवीर के लिए शो में ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। वेल इसके नेक्स्ट ईयर यानी 2011 में करणवीर नज़र आए सोनी इंटरटेनमेंट की सीरियल सूर्या द कॉप में, जहाँ करणवीर वन ऑफ द लीडिंग कॉप इंस्पेक्टर राजहंस के किरदार में थे। लेकिन ये शो कब आया कब गया किसी ने नोटिस भी नहीं किया। जिसके बाद नेक्स्ट ईयर 2012 में करणवीर नज़र आए लाइफ ओके की सीरियल अमृत मंथन में, जहाँ वो एक नेगेटिव रोल युग प्रकाशन मेहरा के किरदार में थे। इस शो में लव इंटरेस्ट थी अदा खान, जहाँ इस वन साइडेड ऑब्सेस्ड लवर युग के किरदार में करणवीर को काफ़ी पसंद किया गया। वेल इसके नेक्स्ट ईयर 2013 में करणवीर को मिला जी टी वी का लॉन्ग रनिंग शो पवित्र रिश्ता, जो कि उनके कैरियर का सबसे बड़ा हिट एंड पॉपुलर सीरियल माना जाता है, जहाँ थर्ड जनरेशन की स्टोरी में करणवीर को नवरेन करमरकर के लीड रोल में अंकिता लोखंडे के अपोजिट इंट्रोड्यूस किया गया और उन्हें इस शो में दर्शकों के बीच अच्छा खासा एक्सपोजर भी मिला। जिसके बाद वो जी टी वी की ही मिनी सीरीज रिश्तों का मेला में भी दिखाई दिए। और फिर दो साल के ब्रेक के बाद यानी 2017 में करणवीर नज़र आए सब टी वी की सीरियल टीवी बीवी और मैं पर, जहाँ इस कॉमेडी शो में करणवीर एक टीवी प्रोड्यूसर राजीव गुप्ता के लीडिंग कैरेक्टर में थे, जो अपनी माँ और बीवी के बीच में पिसता रहता है। पर ये कॉमेडी शो भी कुछ खास नहीं चला और जल्द ही ऑफ एयर हो गया। और फिर तीन साल के लंबे ब्रेक के बाद यानी 2020 में करणवीर लौटे सब टीवी के सीरियल कैरी और आलिया में एक सपोर्टिंग रोल के साथ, जहां वो नज़र आए रोहित खन्ना नाम के एक जर्नलिस्ट के किरदार में। ये शो पूरा एक साल चला था। जिसके नेक्स्ट ईयर 2021 में ही करणवीर सब टीवी के सीरियल जिद्दी दिल माने नामे नज़र आए एक नेगेटिव कैरेक्टर अभय मेहरा के किरदार में, जहाँ वो एक एब्यूजिव हस्बैंड के कैरेक्टर में थे और ये नेगेटिव रोल करणवीर ने बहुत अच्छे से प्ले किया था। और फिर नेक्स्ट ईयर ही 2022 में करणवीर दिखे स्टार भारत की सीरियल
वो तो है अलबेला में डॉक्टर विक्रांत देसाई के कैरेक्टर में। जैस कैरेक्टर की शुरुआत पॉजिटिव नोट से हुई पर बाद में फुल टू नेगेटिव कैरेक्टर में चेंज हुआ और एक बार फिर करणवीर ने नेगेटिव कैरेक्टर में स्ले किया। नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में करणवीर नजर आई बातें कुछ अनकही सी में, जहां वो वैभव जोशी नाम के नेगेटिव लीड में थे जो कि अपनी मंगेतर से चीट करता है। और इसके बाद यानी कि प्रेजेंट ईयर यानी 2024 की बात करें तो वो नज़र आए सोनी इंटरटेनमेंट की सीरियल पुकार दिल से दिल तक में गौतम राठौर नाम के कैमियो पर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में। और फिर इसी साल करणवीर ने पार्टिसिपेट किया कलर्स के एडवेंचरस रियलिटी सीरियल तोड़ के खिलाड़ी सीजन 14 में, जहां अपने डेडिकेशन और शानदार टास्क परफॉर्मेंस से करणवीर ने इस सीज़न अपने नाम किया और वे सीजन के विनर भी डिक्लेयर हुए और साथ ही उन्हें टेली ऑडियंस के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता भी मिली, जिसके चलते कलर्स ने उन्हें बिग बॉस 18 भी ऑफर किया और वो अभी एज अ कंटेस्टेंट इस शो में बने हुए हैं, जहाँ करणवीर की जेन्युइन नेचर और गेम को ऑडियंस काफ़ी पसंद कर रही है और इस शो से उनके फैन फॉलोइंग में हर दिन ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है और वो इस शो के वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग विनर कंटेस्टेंट में से एक माने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे करणवीर द्वारा किए गए सीरियल्स और उनके द्वारा निभाए गए किरदार। तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपने फर्स्ट टाइम करणवीर को किस सीरियल में नोटिस किया और आपको बिग बॉस 18 में उनकी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।